Hello, everyone, welcome back to Robotics Cafe's Python series. So, this is the fourth part of our Python series, and we will be talking about variables, okay? सो so, वेरिएबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नॉट ओनली फॉर पाइथन बट फॉर ऑल दी लैंग्वेजेस चाहे वो सी हो सी प्लस प्लस हो जावा हो कोई भी लैंग्वेज हो वेरिएबल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन सभी लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो चलो ठीक है हम वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझते होता है क्या वेरिएबल कुछ भी नहीं होता बस एक है ना स्टोरेज एरिया हमने जब कंप्यूटर में जब हम कोडिंग कर रहे हैं और वेरिएबल को बनाया तो इसका मतलब है कि एक स्टोरेज एरिया का नाम आपने बना दिया बस इतना ही होता है स्टोरेज एरिया की वैल्यू नहीं स्टोरेज एरिया जो बनाया आपने उसके

ये आपका स्टोरेज बॉक्स हुआ और स्टोरेज बॉक्स के अंदर आपने सामान भरा तो यही स्टोरेज बॉक्स को आप वेरिएबल समझो इसी वेरिएबल के अंदर हम सामान भरेंगे बच्चों को अभी भी नहीं समझ आया होगा कोई बात नहीं और डिटेल में चलते हैं और मजा आएगा ठीक है चलो आ, कुछ अपने बारे में बताता हूँ आप जानते हैं मेरा नाम अखिल है एंड uh, मैं दिल्ली में रहता हूं एंड आई uh, लव ट्रैवलिंग ठीक है ये मेरे बारे में कुछ था चलो अब जैसे ही मैंने आपको बोला कि माय नेम इज अखिल तो आपके दिमाग में ये स्टोर हो गया कि इनका नाम अखिल है नेम अखिल उसी तरीके से कंप्यूटर ने भी स्टोर करा कंप्यूटर को भी बोलूंगा तो कंप्यूटर में भी तो स्टोर होना चाहिए ना तो मैंने क्या करा नेम अखिल करके स्टोर करवा दिया अब नेम क्या लिया मैंने वेरिएबल लिया अब जो वेरिएबल वेरिएबल मतलब स्टोरेज एरिया मैंने बताया था ना स्टोरेज एरिया था वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू क्या डाली मैंने अखिल ठीक है तो वेरिएबल हो गया नेम और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है अखिल तो समझ लो आप यही समझो जैसे कि मैंने बॉक्स लिया ये बॉक्स है मेरा और इस बॉक्स के जो वैल्यू है इस बॉक्स का नेम क्या दे दिया मैंने नाम क्या रखा मैंने नेम रख दिया ठीक है मतलब इस बॉक्स का नाम मैंने रखा नेम एंड इस बॉक्स के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूं अखिल तो मतलब क्या हुआ नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू है अखिल ठीक है अब सिंटैक्स ऐसे लिखोगे आपको पता है वेरिएबल लिखते और उसकी वैल्यू हम डाल देते हैं तो वेरिएबल क्या हुआ वेरिएबल हो गया मेरा नेम वैल्यू हो गया मेरा अखिल तो आप देख सकते हो यहां पर अखिल जो मैंने ये मैंने डबल कोट्स में लिखा तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप स्ट्रिंग लिखोगे पाइथन में तो स्ट्रिंग को लिखते टाइम आप ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कुछ भी हो यूज करना जरूर पाइथन के अंदर ठीक है ओके फाइन तो चलो अब अगला लेते हैं जैसे मैं ले रहा हूं कि लोकेशन इक्वल्स टू डेली तो लोकेशन आप समझ सकते हो लोकेशन इसमें क्या हो जाएगा ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी डेली होगी ठीक है तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा स्ट्रिंग ही लेना मतलब डबल कोट्स के अंदर ही लिखना अगर आप वन टू थ्री फोर आप

ट्रैवलिंग ठीक है तो लव ट्रैवलिंग ओके फाइन सो जब भी पूरे कोडिंग में मैं इन तीनों में से किसी चीज को भी बुलाऊंगा तो वो आ, अपनी अपनी वैल्यूज देगी समझ लो मैंने सबसे पहले लोकेशन को अपने पूरे कोडिंग में मैंने लोकेशन नाम के वेरिएबल को बुलाया तो न, मेरा इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि लोकेशन को बुलाया है मैंने लोकेशन स्टोरेज एरिया में जाएगा तो लोकेशन नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो यूज करेगा जैसे लोकेशन नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू थी डेली उसी तरीके से नेम नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू था अखिल उसी तरीके से लव नाम के जो नाम बनाया होता है वो होता है उसके अंदर वैल्यू आप डालते हो वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू डालते हो ठीक है तो चलो अब हम कोडिंग की ओर आगे चलते हैं राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन ठीक है यो तो ये चीज हमें कोडिंग में करनी है तो हम क्या करते हैं अब हम अपना ओके okay, तो हम क्या करेंगे हमने कोई भी एक ब्राउज़र खोल दिया एंड uh, हम तो कोई भी एक ब्राउजर खोलेंगे एंड ब्राउजर में हम क्या करेंगे यहाँ पर गूगल को लैब लिखेंगे हम गूगल को लैब में सर्च कर कर बस क्लिक कर देना तो यहाँ पर गूगल को लैब में आ, आप चाहो तो यूज्ड प्रोजेक्ट में भी आप काम कर सकते हो नहीं तो आप न्यू नोटबुक में जाकर आप फिर से बना दीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि गूगल को यूज़ कर रहा हूँ आप चाहो तो नॉर्मल पाइथन डॉट ओ आर जी से जो आपने इंस्टॉल कराया आप वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो नहीं तो आप एनाकोंडा में आप जुपिटर या स्पाइडर की यूज़ करके भी आप कोडिंग कर सकते हो विश्व स्टूडियो में भी कोड कर सकते हो यहाँ पर मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये आ, मेरे को ये अच्छा लगता है मतलब गूगल को आप कहीं भी यूज़ कर लो गूगल से बस साइन इन करना बस इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और हमारा जो कोडिंग है वो सेव भी हो जाता है गूगल ड्राइव में तो सही रहता है ठीक है आप so, uh, आप भी आप भी आपको भी अगर करना है तो बस आप कोई भी ब्राउजर में गूगल को लिखकर लिख कर, आप साइन इन करिए अपने जी के साथ और बाद में आप यूज करना शुरू कर सकते हो so, चलो हमारा चलो, क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था कि आ, ये था कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन ठीक है हमें प्रोग्राम बनाना है डिस्प्ले करना है हमारे वैल्यूज को जो वेरिएबल्स हमने जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज दे ले रखी है तो हमें वो डिस्प्ले कराना है ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम अपने वेरिएबल्स को बनाएंगे तो समझ लो मैं वेरिएबल बना रहा हूं सबसे पहले मैं कौन सा वेरिएबल बनाऊँ समझ लो मैं एक सब्जेक्ट नाम लिख रहा हूँ ठीक है तो मैंने लिखा सब्जेक्ट ठीक है कुछ भी लिखो आप कुछ भी नाम बना सकते हो तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो ठीक है तो सब्जेक्ट मैंने वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैं वैल्यू लिख रहा हूं अब मेरे को मैंने डबल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे जो भी कुछ स्ट्रिंग का जब भी अल्फाबेट्स लेते हो तो आप हमेशा डबल कोट्स में लिखते हो तो मैं लिख रहा हूं मैथ्स ठीक है तो मैंने ये लिख दिया मैथ्स अब आ, मैं लिख रहा हूं नंबर अब मैंने लिखा नंबर मैंने लिखा तो अब इसकी वैल्यू जो है ये इंटीजर में नंबर नंबर जो मैं इंटीजर में लिख रहा हूँ ना तो इसके अंदर कोर्ट्स मत लगा देना तो इसके अंदर मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ एटी नाइन ठीक है तो ये मेरे दो हो गए ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं इसको रन करूंगा शिफ्ट और एंटर दबा कर मैंने रन कर दिया अगर रन नॉर्मली आप कर सकते हो आप यहाँ पर प्ले वाला जो बटन होता है ना रन सेल करके वो भी आप दबा सकते हो नहीं तो आप शिफ्ट और एंटर एक साथ भी दबा सकते हो फाइन तो पर मैंने क्या करा सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर जो मैंने वैल्यू डाली है मैथ्स डाली है और नंबर नाम का वेरिएबल लिया उसके अंदर जो मैंने वैल्यू डाल है, 89 डाल रखी रखी है 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 ठीक फाइन है? सो so, अब अब हम हम करते हैं प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन मैंने यहां पर यूज करा और मैं यहां पर प्रिंट फंक्शन यूज करके मैं देखूंगा कि सब्जेक्ट नाम को अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो देखते क्या आता है तो मैंने सब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कराया और मैं अब मैं रन कर रहा हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैथ्स आ गया अब मैं अगर इसी चीज को अगर मैं प्रिंट करा रहा हूं और मैंने सब्जेक्ट लिखा डबल कोर्स के अंदर मैंने सब्जेक्ट लिखा डबल कोर्स के अंदर लिखा अब मैं यहां पर रन कर रहा हूं तो देखते क्या आता है तब यहां पे सब्जेक्ट आ गया मतलब जब आप प्रिंट यूज कर रहे होते हो तो वेरिएबल की वैल्यू चाहते हो तो डबल कोर्स मत लिखना कभी भी ठीक है तो मैं नॉर्मल ही मैं यहां पर लिख रहा हूं तो मैंने यहां पर लिख दिया सब्जेक्ट तब आपकी सब्जेक्ट की वैल्यू जो होगी वो मैथ्स आ जाएगी अगर आपने प्रिंट के अंदर डबल कोर्स में कुछ भी लिखोगे तो इसका मतलब है जो भी आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे वो एसिटीज आ जाएगा सब्जेक्ट मैथ्स ठीक है तो अब मैं लिखूंगा कि माई फेवरेट सब्जेक्ट मैं इस डबल के अंदर लिख रहा माई फेवरेट सब्जेक्ट करके मैंने ऐसे लिखा और लिखूंगा और मैं रन करूंगा तो देखना क्या आएगा फेवरेट सब्जेक्ट इस करके आया अब मैं यहां पर कोमा डाल के अगर मैं लिखूं सब्जेक्ट लिख दूं तो क्या आएगा हैं, मैं रन कर रहा हूं देखो कॉमा डाला बीच में मैंने लिखा देखो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स मैंने ऐसे सब्जेक्ट लिखा इसने नॉर्मल जब मैंने सब्जेक्ट लिखा तो उसने इसकी वेरिएबल की वैल्यू उठा दी ठीक है और यहां पर कोमा डाल के लिखा मैंने ये भी ध्यान रखना कोमा डाल के लिखा है ठीक है अब मैं फिर से एक एंटर कर देता हूं और मैं फिर से यहां पर प्रिंट लिख रहा हूं यहां पर प्रिंट माई फेवरेट नंबर इज करके मैंने लिखा और यहां पर डबल कोर्ट जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद मैंने डाला एंड यहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं ठीक है एन कैपिटल यहां पर भी अगर एन कैपिटल लिया तो यहां पर भी एन कैपिटल लोगे मैंने मैंने पहले वीडियो में 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 बताया था ना में ना फीचर्स केस सेंसिटिव होते हैं ठीक है तो नंबर अगर एन कैपिटल लिया बाकी सब यू एम बी आर स्मॉल लोअर अल्फाबेट्स लिखे तो वैसे के वैसे होना चाहिए सब कुछ वैसे का वैसे होना चाहिए तो यहां पर मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहां पर माई फेवरेट नंबर इज एटी आ गया अगर मैंने यहां पर एन को छोटा ले रखा होता है जैसे कि

सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन दैट इट्स लेंथ इज़ 30 यूनिट्स एंड ब्रेड इज 20 यूनिट मतलब एक पाइथन प्रोग्राम बनाना आपको जहां पर आपको लेंथ दे रखा है 30 यूनिट और ब्रेथ दे रखा है 20 यूनिट और आपको एरिया निकालना है ठीक है तो चलो अब हम करते हैं सो so, मैं यहाँ पर ही शुरू तो मैं यहाँ पे ही शुरू करता हूँ यहाँ पर तो आपको एक और फीचर होता है इसके अंदर कमेंट्स का फीचर होता है पाइथन कोडिंग के अंदर आप कमेंट्स लिखते हो हैश डालकर और कमेंट्स इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई और जब कोडिंग देख रहा हो तो उसको समझ आ जाए तो आप किसी को समझाना चाहते हो तो मैं लिख रहा हूं कि दिस प्रोग्राम आ, दिस प्रोग्राम इज फॉर इज फॉर ओहो uh -oh. दिस प्रोग्राम इज फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और बाद में अब हम को कोडिंग करना शुरू कर देते है, हैश में जो भी लिखोगे वो कमेंट होता है ठीक है तो मैं एक वेरिएबल ले, ले लेता हूँ समझ लो मैंने लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ ठीक है लेंथ नाम का वेरिएबल ले लिया और उसकी यूनिट क्या थी इसकी वैल्यू थी थर्टी है ना थर्टी मैंने वैल्यू ले ली ठीक है अब मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ ब्रेथ नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसका वैल्यू ले रहा हूँ मैं ट्वेंटी यूनिट्स मैंने ले लिया ठीक है अब मैं क्या करूँगा अब मैं कोडिंग करूँगा यहाँ पर एरिया लिखूंगा मैं यहाँ पर ठीक है तो मैंने लिखा एरिया इक्वल टू एल ई लेंथ एल ई जी टी एच इन टू मेंंड ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिखा अब मैं क्या करूँगा मैं प्रिंट कराऊंगा मैं इसको अब मैं मैं प्रिंट कराऊंगा इनकी वै इस इधर वैल्यू को मैं प्रिंट कराता हूँ ये मैं लिखूंगा डबल कोड के अंदर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज डबल कोर्ट्स के बाहर जाके कोमा लिखना और आप एरिया की वैल्यू लिख देना ए कैपिटल में यहाँ पर भी मैंने ए कैपिटल लिया इसलिए मैंने यहाँ पर ए कैपिटल लिया अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए लेता ना यहाँ पर तो भी मुझे फिर मैं यहाँ पर भी स्मॉल ए लेता ठीक है पर मैं स्मॉल ए कंपाइल करते हैं यहाँ पर रन करते हैं शिफ्ट और एंटर एक साथ दबाया मैंने रन करके देखते हैं तो मेरा आंसर आ गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सिक्स हंड्रेड ठीक है अब मैं यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स भी लगा सकता हूँ यहाँ पर uh, कोमा डालकर मैं फिर से मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर यूनिट्स ठीक है तो अब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सिक्स हंड्रेड स्क्वायर यूनिट्स ठीक है फाइन सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है वेरिएबल का एंड हमने दो तो कोडिंग भी करी है आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू ट्राई दिस थिंग ओके फाइन सो अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ओके वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो बाय बाय